हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFA। सो दिस 100 डे चैलेंज के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको वापस से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद इन 20 मिनट्स। आपको कुछ 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। आपको ये भी पता होगा कि अगर कभी इस 100 डेज के बाद में जो भी स्टूडेंट विथ इन टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम में, अगर कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका है तो उनको IFAs की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर एज अ गिफ्ट भी मिलेंगे, जो कि मैं आपको इन गिफ्ट्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अब सबसे पहले कि आज के सेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को पॉज करते चलना, ठीक है, वीडियो को पॉज करते चलना और क्वेश्चंस को अप्लाई करते चलना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का प्राइमरी गोल क्या होता है, तो आपको पता है टू इंक्रीज द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ प्लांट। ऐसा मतलब मेन रोल की अगर हम बात करें तो ये मेन रोल नहीं होता है। मेन रोल किसी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि प्लांट को सबसे पहले तो डिसीज से और फिर उसके बाद में पेस्ट से रेसिस्टेंट बनाया जाए। वो एक ऐसा रेसिस्टेंट नेचर का शो हो जिसके कारण प्लांट को टोटली हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया जा सके, मतलब प्लांट को वहां पर ग्रोथ किया जा सके, ठीक है। क्योंकि प्लांट अगर है तो फिर बहुत सारी चीजें, अर्थ का एक एटमोस्फेयर पूरा का पूरा मेंटेन होता है। सबसे पहली बात कि वो स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड होने वाली है, उस स्पीशीज को प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर की मेथड से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको ग्रोथ करवा सकते हैं, उनकी उनके क्लोन्स बना सकते हैं। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही अच्छी मेथड है। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी मेथड एक है, तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिसको आप क्या बोल देते हो, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, और ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि एक ये प्लांट है और ये प्लांट जो है, इस प्लांट को आपको पेस्ट से रेसिस्टेंट करवाना है, ठीक है, कि ये जो प्लांट है इस प्लांट को आपको पेस्ट से रेसिस्टेंट करवाना है, और साथ ही साथ आप इस प्लांट को इंसेक्ट से भी रेसिस्टेंट करवाना चाहते हो, ठीक है। ये है प्लांट, यहाँ पर पेस्ट से रेसिस्टेंट करवाना चाहते हो, साथ ही साथ इंसेक्ट से रेसिस्टेंट करवाना चाहते हो, तो आपको इस प्लांट का एक एक्सप्लांट लेना पड़ेगा। एक्सप्लांट इस जिसको हम बोल देते हैं एज अ सैम्पल, इस एक्सप्लांट को इस ग्रोथ मीडिया के ऊपर इनविट्रो कंडीशन के अंदर ग्रोथ करवाया जाता है, ठीक है। ग्रोथ मीडिया के अंदर जिसके अंदर क्या बनता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ फिर यहाँ पर रूटिंग होती है, शूटिंग होती है, रूटिंग एंड शूटिंग। रूटिंग और शूटिंग के बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, प्लांटलेट्स बनते हैं। प्लांटलेट जैसे ही बन जाते हैं तो आफ्टर प्लांटलेट्स के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। हार्डनिंग से पहले किया जाता है एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट को अडेप्ट करवाना है सॉइल के लिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर सिंथेटिक सॉइल के अंदर इनकी ग्रोथ करवाते हैं। फिर उसके बाद में होती है हार्डनिंग की प्रोसेस, हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, मतलब अब प्लांट को फील्ड के अंदर ग्रोथ करवाया जाता है। तो आपको ये प्रोसेस तो पता ही होगी। तो सबसे पहली बात कि अब आपने इसको जो कैलस फॉर्मेशन किया है, कैलस फॉर्मेशन करते टाइम यहाँ पर आप पेस्ट के टॉक्सिन को ऐड कर देते हो, टॉक्सिन को ऐड कर देते हो, साथ ही साथ यह आपको रेसिस्टेंट करवाना है किसी डिसीज से, तो उस डिसीज का टॉक्सिन्स भी ऐड कर दिया जाता है, या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया जाता है, डिसीज टॉक्सिन, या तो फिर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये दो चीजों को यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब यहाँ जो एडिशन होता है, ये एडिशन एज अ एक प्रकार का मॉडिफिकेशन क्रिएट करता है, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे यहाँ पर, सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इस तरीके की एक मेथड होती है, इसको कहा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन, क्लोनल
वेरिएशन, जिसमें आप स्टिमुलेट करवाते हो, ऐसे एक वेरिएबल कंडीशन क्रिएट करते हो जिससे कि वो प्लांट की उस स्पीशीज के अंदर रेसिस्टेंस आ जाए, और जैसे ही रेसिस्टेंट आता है आफ्टर, यहाँ पर एक प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे मेजर इसका फंक्शन क्या है, इन्हेंस करना है आपको प्लांट के रेसिस्टेंट को विद द पेस्ट एंड डिसीज से, ठीक है, टू रिड्यूस द कार्बन फूट प्रिंटिंग, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, टू क्रिएट द प्लांट विद द यूनिक कलर। कलर क्रिएट करने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ मेजर एस्पेक्ट्स में नहीं करते, हालांकि इसका यूज़ कर सकते हैं बट मेजर एस्पेक्ट्स में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस द न्यू जीन इन टू द प्लांट जीनोम। प्लांट के जीनोम के अंदर अगर न्यू जीन को इंसर्ट करना है तो कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है, टिश्यू कल्चर नहीं, टिश्यू कल्चर से तो न्यू एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जीन एडिटिंग विद द क्रिस्पर, बिल्कुल करेक्ट बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कौन कौन सी टेक्निक्स देखते हैं, एक हो जाता है सर एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम हो जाता है सर यहाँ पर, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से हम जो भी सेल है जो हमने एक्सप्लांट से लिए उसके अंदर न्यू जीन का इंसर्ट करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी मेथड्स होती है, ठीक है, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशियंस इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लांट की जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम का क्या रोल होता है, एग्रोबैक्टीरियम का मेजर रोल होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना प्लांट के अंदर। अगर मैं बात कर लूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है इसको इंसर्ट किया जाता है किसमें, इंसर्ट किया जाता है इन टी डीएनए के अंदर, और इस टी डीएनए को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करता है, वीर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करवाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए। आफ्टर ट्रांसफर करवाने के साथ साथ ये वीड जीन जो है इसको इंसर्ट भी करवा देता है, इंसर्ट करवाने के बाद में यहाँ पर उस जीन का एक्सप्रेशन होने लगता है, जीन का एक्सप्रेशन होने लगता है किसमें, प्लांट में, और ये जो प्लांट बन जाता है ये प्लांट बन जाएगा यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट। ये आपको याद रखना है कि अब जो प्लांट बनेगा वो प्लांट बनेगा ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर बातें थी, पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट द प्लांट सेल कल्चर। प्लांट सेल कल्चर क्रिएट करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं। इट इज द बैक्टीरियम दैट ट्रांसफर द जीन इनटू द प्लांट सेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बैक्टीरियम की बात कर ले तो ये होता है सॉइल बैक्टीरियम, सॉइल के साथ साथ ये रॉड शेप का होता है, ये भी आपको याद रखना है, रॉड शेप का होता है, इसको आप बोल देते हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, और इसके पास में टी आई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इनके पास टी आई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अगर मैं इस टी आई प्लाज्मिड की बात करूँ तो ये क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, गॉल डिसीज कॉज करता है। अब ये क्राउन गॉल क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्राउन पोजिशन के ऊपर डिसीज होती है, एक मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मास ऑफ सेल बनती है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के हॉर्मोन सिंथेसिस के कारण, ठीक है। टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट हेल्प टू सिंथेसाइज द प्लांट हॉर्मोन। प्लांट हॉर्मोन वैसे भी तो खुद सिंथेसाइज करता है, बस प्लांट के अंदर इन हॉर्मोन का एक्सप्रेशन हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप इसको बोल सकते हो प्लांट हॉर्मोन से एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होना। फोर्थ क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अप्लाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कौन सा एक एग्जाम्पल आपको लगता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है कि पेस्ट से रेसिस्टेंट करवाना है तो बीटी कॉटन जो है वो बेसिलस थुरिंजिनेसिस से क्राई जीन के साथ में यहाँ पर पेस्ट से रेसिस्टेंट शो करती है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, पेस्ट रेसिस्टेंट शो, रेसिस्टेंट शो करती है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोल्डन राइस प्रोजेक्ट इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। गोल्डन राइस का प्रोजेक्ट क्या सिग्निफिकेंस शो करता है, तो आपको पता है गोल्डन राइस के अंदर अगर मैं बात कर लूँ गोल्डन राइस, तो इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज किया जाता है, बीटा कैरोटीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज किया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है, विटामिन ए के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं, विटामिन ए जो है वो यील्ड को इंक्रीज करता है किसकी, राइस की,
राइस की यील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं इट डिजाइन टू इंक्रीज द राइस यील्ड थ्रू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है। इट एम टू प्रोड्यूस राइस विथ इनहेंस द फ्लेवर एंड एरोमा। नहीं, फ्लेवर और एरोमा का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है। इट इंजीनियर द हाई लेवल ऑफ विटामिन ए टू कॉम्बेट द मेल न्यूट्रिशन। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, डिजाइन टू इंक्रीज द राइस यील्ड। ठीक है, राइस यील्ड से ज़्यादा अगर कभी हम बोल सकते हैं ऐसा, इनके अंदर विटामिन ए का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है गोल्डन राइस। ठीक है, यील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यील्ड नहीं बोलेंगे हम, टोटल मिलाकर यहाँ पर क्वालिटी बोल देंगे, है ना। यहाँ पर राइस की क्वालिटी इंक्रीज की जा रही है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, इसमें विटामिन ए का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक की बातें करेंगे तो इसलिए हमारा आंसर सी सही है। ए की बात कर ले तो ए हमारा आंसर, इसको हम क्यों यहाँ पर लगा नहीं रहे। अगर आपको यील्ड को इंक्रीज करना है, मतलब आप इसकी स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज कर लो, ये हो जाता है यील्ड इंक्रीज। इट हेल्प टू राइस प्लांट ग्रो इन द सलाइन इन्वायरमेंट। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई सलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो 100 डे चैलेंज है, ये 100 डे चैलेंज जून 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक अभी तक चल रहा है। आपको याद रखना है कि ये 5 क्वेश्चन within 20 मिनट्स के अंदर आप हमारे ऐप से कर सकते हो, और आफ्टर अगर कभी 100 डेज के बाद में हम देखेंगे किस स्टूडेंट्स का कम टाइम के अंदर कितने अच्छा स्कोर है, उसको हम यहाँ से कुछ गिफ्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट 100 डे चैलेंज के लेक्चर के साथ में, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के बाय बाय, और आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जितनी मेहनत आपकी खुद से होगी, उतनी सफलता आपके शोर मचाएगी। ठीक है, तो आपको सफल बनने के लिए अपने आप से मेहनत करना है, अपने आप से कंपटीशन करना है। कंपटीशन कभी भी दूसरों से नहीं होता है, कंपटीशन खुद से होता है। क्योंकि आप जब जब अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको सिर्फ यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।